is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. भगवान इंद्र के द्वारा राजा डिगवा को युद्ध में पराजित करने पर अप्सरा उर्वशी के द्वारा राजा डिगवा को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दिया गया, जिसके फलस्वरूप राजा डिगवा को भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। इसके बाद में भगवान विष्णु की मूर्ति इस तालाब में बहती हुई आई और राजा के द्वारा इस तालाब में स्नान किया गया तो राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण अपने कष्टों को डिगी कल्याण जी महाराज की कृपा से इस तालाब में स्नान करने आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष तीन प्रमुख मेले लगते हैं। पहले मेले के रूप में वैशाख पूर्णिमा को, जो सबसे पुराने मेलों में से एक है, और दूसरा है श्रावण मास की अमावस्या को, जिसमें सबसे अधिक भीड़ नजर आती है। तीसरे मेले के रूप में है जलजूलनी एकादशी या श्रावण मास की एकादशी को लगता है।